Click on the bell icon to watch our latest videos. दो प्राणी मिक्स होके एक न्यू प्राणी क्रिएट होते हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब होता है? सी अभी पौराणिक कथाओं में वो ये इमेजिनेशन को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, बेसिकली वो आइडिया है। गणेश जी हाथी का सर है उनके पास, तो वहां पे हयग्रीव होते हैं। हयग्रीव जिस विष्णु का रूप, जहाँ पे वो घोड़े का सर है। नरसिम्हा अवतार वेरी फेमस है, जहाँ पे वो हाफ ह्यूमन है हाफ लायन है। बहुत फेमस स्टोरी है एक असुर की, हिरण्यकश्यपु का, जो कहता है कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए, ऐसा वरदान चाहिए भगवान से कि मुझे कोई नहीं मार सके, और जो मार सके वो ऐसा होना चाहिए जो ना पुरुष होगा ना पशु होगा। सो वो इमेजिन करता है, डिविजन क्रिएट करता है। तो भगवान कहता है डिविजन मेरे लिए, मैं तो अखंडित हूँ, मुझे कोई डिविजन नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा रूप लूंगा जो पशु भी है और पुरुष भी है, तो नरसिम्हा अवतार होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डिविजन नहीं होता है भगवान के, जो भगवान के दुनिया में कोई डिविजन नहीं होता, इसी को अलग अलग कहानियों में दर्शाया गया है। जैसे उड़ीसा में सारलादास महाभारत होता है, जहाँ पे ये बहुत फेमस स्टोरी है नबगुंजरो की, कि कृष्ण के कृष्ण एक दिन एक रूप लेते हैं 9 एनिमल्स के और अर्जुन के पास आते हैं। तो अर्जुन देखता है कि एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर है, जो मुर्गा है, मोर है, बैल है, सिंह है, हाथी है, सांप है। तो सब एनिमल्स मिक्स होके एक क्रीचर होता है जिसे नवगुंजर कहते हैं। तो पहले डर जाता है कि ऐसे तो चीज मैंने देखी नहीं है, मतलब मेरे कल्पना के परे है ये चीज। तो भगवान ने ऐसा रूप लिया है जो कल्पना के परे है। तो इसे इंग्लिश में हम मॉन्स्टर कहेंगे, लेकिन पौराणिक कथाओं में ये भगवान का रूप हो जाता है। या शैव परंपरा में एक है कि शिवजी ने शरभ रूप लिया था। शरभ एक शेर है जिसमें 8 पांव होते हैं, इसलिए भगवान के 4 हाथ होते हैं, यू नो 10 सर होते हैं, तो पंचमुखी हनुमान या 10 मुखी हनुमान, ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं। या जब भगवद गीता में विश्वरूप लेते हैं कृष्ण, तो वहां पे उनको देव, असुर, गंधर्व, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के प्राणी कृष्ण के अंदर दिखाई देते हैं। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।